नगर निकाय चुनाव पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 20 अक्टूबर तक नगर निगम व नगर पंचायत में जो बीएलओ तैनात हैं, उनके द्वारा घर घर भ्रमण करके बढ़े हुए नाम, विलोपित नाम, संशोधित नाम की प्रतिलिपियां जमा करनी थी। उन लोगों के द्वारा फॉर्म को जमा करवाया जा रहा है जिनका डाटा एंट्री करवाया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची का प्रकाशन करना है। मेरा सभी लोगों से अपील है कि जो लोग सभासद, मेयर, चेयरमैन, नगर निगम पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट ले लें। इसके बाद 1 नवंबर से 7 नवंबर तक उस मतदाता सूची में नाम बढ़ाया और घटाया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 नवंबर को हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि इसमें कोई भी तारीख को बढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए सभी लोग मतदाता सूची ले लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 20 अक्टूबर तक हमारे सभी बीएलओ को, जो नगर निगम में और नगर पंचायतों में तैनात हैं, उनको घर घर भ्रमण करके बढ़े हुए नाम, विलोपित नाम, संशोधित नामों की पांडुलिपियाँ जमा करनी थी। उन लोगों के द्वारा अपनी पांडुलिपियाँ जमा की जा रही, जिसकी हम लोग डेटा एंट्री करा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक हमें ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन करना है। मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से जो सभासद के लिए, मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए या नगर निगम पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सबों से अनुरोध है कि वे लोग 31 अक्टूबर को हमारा जो निर्वाचन कार्यालय है वहां से संपर्क कर ड्राफ्ट मतदाता सूची ले लें। इसके बाद 1 नवंबर से 7 नवंबर तक उस मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जा सकते हैं, नाम घटाए जा सकते हैं। जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है वो 18 नवंबर को हो जाएगा। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सूचित किया गया है, इसमें कोई भी तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। तो मेरा अनुरोध है निर्वाचन कार्यालय से, आप लोग अपनी अपनी मतदाता सूची ले लें, उसका गहनता पूर्वक निरीक्षण कर लें और जहाँ पे भी आपको संशोधन की गुंजाइश लगती है, अपना निर्धारित प्रारूप पे अपना फॉर्म भर करके जमा कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।